आप देख रहे हैं एग्जामजी चैनल, यहाँ पे आपको मिलेगा राजस्थान अध्ययन, जिसे आप हमारा राजस्थान कहते हैं, 6 to 12 सिर्फ और सिर्फ बुक, कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं, इवन मेरी भी नॉलेज नहीं। वीडियो के व्यूज पर मत जाना, क्योंकि राजस्थान अध्ययन आनी सबको पता है, लेकिन पढ़ता कोई कोई है। आप पढ़ने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आधा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। आधुनिक राजस्थान का निर्माण, चैप्टर नंबर 3। इससे पहले चैप्टर 1, 2 हम कर चुके हैं, आप प्लीज़ वो जाके वीडियो देखिएगा। राजस्थान एकीकरण की सुगबुगाहट 1939 में ही वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के एक आदेश से प्रारंभ हो गई थी। यानी कि उन्होंने कहा कि राजस्थान का एकीकरण कीजिए, कब? 1939 में, ठीक है। और भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव भी पारित किया, जिसमें जिनकी आय 50 लाख रुपए से कम है और जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन्हें पड़ोस के राज्य में मिला देना था। 22 मई 1946 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एकीकरण की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने का काम किया। एकीकरण की यह प्रक्रिया भी जारी थी कि इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। इसमें क्या था कि वही रियासतें जो हैं वो अस्तित्व रख सकती थी जिनका न्यूनतम आय 1 करोड़ था और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक थी, ठीक है। ऐसे में सिर्फ राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर जो रियासतें थी वही स्वतंत्र रह सकती थी। अब एकीकरण से पहले राजस्थान कैसा था, तो उसमें 19 रियासतें थी। ये मैं नाम आपके लिए बोल देती हूँ, सुन के जितने भी याद रहे इसको रिपीटेडली आप देख लेना। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये सारे नाम जो हैं आपको याद रखने। प्लीज़ मीनवाइल आप सब्सक्राइब कर दीजिए बटन। बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर और किशनगढ़, यानी कि 19 जो रियासतें थी वो एकीकरण से पहले थी। और ठिकाने टोटल कितने थे, तो वो 3 थी, कुशलगढ़, लावा और नीमराणा, ठीक है। रियासतें 19, ठिकाने 3 थे और केंद्र शासित जो प्रदेश था वो एक ही था, जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। अब बात करेंगे कि एकीकरण का जो पहला प्रयास था वो किया किसने था, तो किया था कोटा के ही जो कोटा रियासत थी उनके शासक महाराव भीम सिंह ने, ठीक है। कोटा में 2 नाम है, भीम में 2 नाम है, ठीक है। इनको इन्होंने एकीकरण किया, एक कर दिया, एक में 2 नाम है। कोटा के बाद महाराणा मेवाड़ ने भी 2526 जून को यही प्रक्रिया आगे बढ़ाई। उदयपुर में राजस्थान, गुजरात, मालवा के जो शासक थे उनका सम्मेलन हुआ, जिसमें जयपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़ ये भी आए थे। और इन्होंने क्या किया कि एकीकरण की प्रक्रिया में ये सक्रिय रहे। राज्य प्रजा परिषद, प्रजामंडल के प्रयास से जो राजस्थान था फिर उसका एकीकरण संभव हो पाया, लेकिन उसमें कुछ चरण थे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एक पूरा राजस्थान जो आज हम देख रहे हैं वो बन गया। हुआ क्या कि ये सारी सामाजिक रीति रिवाज, आर्थिक, सबको देखना था, क्योंकि कोई किसी की रियासत में मिलने को रेडी नहीं था। इसी वजह से नवंबर 1956 में आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य जो है वो पूरा हुआ था, ठीक है। लेकिन इसमें जो 7 चरण है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला चरण है मत्स्य, ठीक है। मत्स्य जो बहुत पहले था 17-18 मार्च 1948 को, ठीक है, यानी कि आज़ादी के बाद। कौन कौन से एकीकरण में थे ये, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, ये सारे। ये इन्होंने क्या किया, मत्स्य का निर्माण किया, यानी कि राज्य का नाम इन्होंने रख दिया था मत्स्य, ठीक है। जिसको आज हम राजस्थान बोलते हैं वो मत्स्य था। अलवर इसकी राजधानी थी और धौलपुर के जो महाराजा थे उदयभान वो राज प्रमुख, शोभा राम कुमावत इनके प्रधानमंत्री को नियुक्त कर दिया गया। कब? 17-18 मार्च 1948 को। ये था जब पहला चरण। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, साथ ही मैप दिया गया है इसका, इसको मैंने रिमूव कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बात करते हैं सेकंड की, ठीक है। इसको कैसे भी आप कोई भी ट्रिक बना के याद रख लीजिए, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली का ADBK हो गया, ठीक है, और उदयपुर के जो थे वो यहाँ पे उदयभान जो हैं वो धौलपुर के राजप्रमुख बने, प्रधानमंत्री जो हैं वो शोभा राम बने, ठीक है। उदय की शोभा बढ़ाई अलवर ने। द्वितीय जो राजस्थान का एकीकरण का
चरण था वो था पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, इसका ये नाम रख दिया गया था 25 मार्च 1948। देखो 17-18 मार्च को पहले ये काम किया गया, उसके बाद 7 दिन बाद ही 25 मार्च 1948 को वो कहते हैं कि बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, ये सारी रियासतें जो हैं ये भी मिल रहे हैं। इस बार राजधानी जो है वो कोटा बनी और महाराव भीम सिंह राजप्रमुख बने और प्रधानमंत्री बने गोकुललाल। ठीक है, तो द्वितीय टाइम यानी कि सेकेंड टाइम ऊपर शोभाराम जी थे प्रधानमंत्री, नीचे कौन बने? गोकुललाल। तो शोभा गोकुल, साथ ही आपको मैप दिख रहा है, आप इसको कहीं पे लिख भी सकते हैं लेकिन सुनी हुई बात ज़्यादा याद रहती है। अटेंटिवली इसको देखिए कि कौन से ज़िले ऐड किए कौन से नहीं। थर्ड देखते हैं आप, थर्ड का जो नाम रखा था वो था संयुक्त राजस्थान। इसको देखो मार्च में जो प्रोसेस हुई उसके जस्ट बाद अप्रैल में 18 अप्रैल संयुक्त राजस्थान में उदयपुर, मेवाड़ का विलय कर दिया गया और मेवाड़ के भोपाल सिंह को राजप्रमुख बना दिया गया और माणिक्यलाल वर्मा जो ऊपर थे वही प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। इस बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन भी किया था। ठीक है, तब सबको लगा होगा कि अब बन गया, लेकिन फिर एक फोर्थ चरण फिर से आ गया। फोर्थ चरण का जो नाम था वो था रहद राजस्थान। ठीक है, पहले वाले जो राजस्थान है सबसे पहला मत्स्य था। ठीक है, उसके बाद अब ये थर्ड आपने संयुक्त राजस्थान, सेकंड वाला आप कॉमन सेक्शन में लिखिए, फोर्थ है वृहद राजस्थान। सबकी डेट्स आपने देख ली। वापस से अब देखो 1948 के बाद 1949 में यानी कि पूरे एक साल बाद 30 मार्च को ये वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। संयुक्त राजस्थान में अब कौन कौन? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये सब मिल गए। राजस्थान का स्थापना दिवस भी हम कब मनाते हैं? 30 मार्च को ही मनाते हैं। इसमें जयपुर के मानसिंह द्वितीय जो थे, ठीक है, उनको राजप्रमुख बनाया गया और हीरालाल शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। किसके प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री जी? वृहद राजस्थान के। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो किस चरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उद्घाटन किया? तो आपको पता होना चाहिए कि वो चरण फोर्थ था। ठीक है, चौथा चरण था, उसके बाद है पांचवा चरण। पांचवे चरण के पहले आपको ये सारे जो लाइन हाईलाइटेड हैं, देखो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट कर देते हैं। आप कहोगे सभी हाईलाइटेड है, सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पुट कर दे एग्जाम में। अब चलते हैं बात करेंगे फिफ्थ वाले चरण की। तो फिफ्थ चरण है यहाँ पे संयुक्त राजस्थान का। अब बृहद राजस्थान के बाद संयुक्त 15 मई को हो गया, मार्च के बाद अब मई इन्होंने लिए। इसमें क्या था, मत्स्य संघ जो सबसे पहले वाला था उसका नीम राणा ठिकाना इसमें विलय हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो साथ ही राजस्थान का एक फिगर आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि जो मत्स्य संघ था उसी का नीम राणा थाना इसमें विलय कर दिया गया। तो टोटल 5 चरण हो गए। 6वां चरण और 7वां चरण दोनों में ही नाम जो है वो राजस्थान ही रखा गया। ठीक है, अब इसका नाम पक्का राजस्थान हो गया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 और फिर 5 साल 6 साल का गैप और 1 नवंबर 1956 हुआ। क्या 26 जनवरी 1950 को 6वें चरण में सिरोही, देलवाड़ा और आबू क्षेत्र को छोड़कर इसका विलय किया गया और 7वें चरण में आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा, मंदसौर, मध्य प्रदेश के सुनेल टप्पा क्षेत्र, इन सब का विलय एकीकरण की प्रक्रिया में पूरा हो गया और झालावाड़ का जो सिरोही क्षेत्र था वो इसमें ना मिला के मध्य प्रदेश को सौंप दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से टोटल जो 7 चरण थे वो कंप्लीट हो गए किसके? राजस्थान के एकीकरण के। तो आपको मैप पे इसको ज़रूर ड्रॉ कर लेना है। अब शब्दावली है, एकीकरण का मतलब होता है जोड़ना, एक करने की प्रक्रिया। वृहद का नाम विशाल या बड़ा। एग्जाम जी चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही होमवर्क क्वेश्चन है, अगर आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से सुना तो आपको ये अभी आ जाएंगे क्वेश्चन, जैसे संयुक्त वृहद राजस्थान का क्षेत्र कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं था, या राजप्रमुख कौन थे, एकीकरण कब हुआ, किसने उद्घाटन किया, कब राजस्थान दिवस मनाया जाता है, एट्सेट्रा। गुड लक फॉर योर एग्जाम। अब अगला चैप्टर करेंगे जनसंख्या। बने रहिए एग्जाम जी के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन।
अगर आप यहाँ तक अब तक आ चुके हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पढ़ने की राह पर चल चुके हैं। बस उम्मीद है कि आप ये सारी सीरीज़ पूरी करेंगे, चाहे खुद से करें चाहे हमारे चैनल के थ्रू करें। पढ़ना ज़रूर है, राजस्थान अध्ययन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 6th 7th राजस्थान अध्ययन हमने कर लिया है, अब हम कर रहे हैं 8th 9th 10th 11th एंड 12th। लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जॉब लग के दिखाइए। थैंक यू सो मच।